ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर टेकिंग, अभी हम लोग कुछ भी नया सीखने वाले नहीं है, जो हम लोगों ने सीखा है हम उसी को अरेंज करेंगे। तो आप जरा ओपन करिए मेरा जो बुक आपको दे रखा है उसका पेज नंबर 11.44 आप जरा ओपन करिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 11.44, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिकंसिलेशन। मैंने आपको थ्योरी नोट्स दिए हुए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिकंसिलेशन, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिकंसिलेशन आप देखिए जरा पेज नंबर 11.44, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिकंसिलेशन। ओके, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने हैं वो जरा आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या क्या हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो प्लीज आप जरा देख लीजिए। पहला है कॉस्टशीट, कॉस्टशीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। आपका कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट किसके बेस पर रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। स्टेप नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज आपका क्या रहेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टेप नंबर थ्री रिकंसिलेशन। स्टेप नंबर फोर एनालिसिस ऑफ वेरियंस, एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, बट एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बिकॉज योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, बोलिए एक बार वापस से रिवाइज करिए। स्टेप वन इज कॉस्ट शीट, स्टेप टू पी एन एल अकाउंट, स्टेप थ्री रिकंसिलेशन, स्टेप फोर एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ओके, आप जरा देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, ओके क्वेश्चन नंबर 21 आप एक बार रीड कर लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 एंड योर पेज नंबर 11.45। ओके, जेमेन कंपनी मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट फॉर विच द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हैज बीन असर्टेन एज बिलो। प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है, मटेरियल के 2 यूनिट्स लगेंगे एट द रेट ऑफ 20, लेबर के 20 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2, वेरिएबल ओवर एट ₹8 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवर एट ₹20 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 108, प्रॉफिट 32 एंड सेलिंग प्राइस 140। ड्यूरिंग द बजट पीरियड द कंपनी कुड प्रोड्यूस एंड सेल ओनली 8,000 एज अगेंस्ट बजट ऑफ 10,000 यूनिट्स, द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रेजेंटेड बिलो। इट मीन्स आपका कॉस्ट शीट बनेगा 10,000 के लिए, बिकॉज योर बजटेड प्रोडक्शन इज 10,000 और एक्चुअल पी एंड एल अकाउंट आपका बनेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 8,000। ओके, तो स्टेप नंबर वन अपन पहले बना लेते हैं, प्रेजेंटेड बिलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है मटेरियल वेजेज वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड एंड बाय सेल्स। ओके, सेल्स आपका 11,20,000, मटेरियल 3,96, वेजेस 346,800, ब्ला ब्ला ब्ला। 4,000 आवर्स वर लॉस ड्यू टू द पावर फेलियर, इसका मतलब एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम पावर फेलियर हो गया है, मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, यू आर टू रिकनसाइल द एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ वेरियंसेस। मैंने आपको क्या बताया, स्टेप नंबर वन कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट कितने के लिए बनेगा, कॉस्ट शीट आपका बनेगा फॉर 10,000 यूनिट्स। ओके, तो पहला दिस इज योर हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 और ये आपका है पेज नंबर 11.45। ओके, दिस इज स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन,
and your budgeted production is 10,000 units. Total per unit. Okay. Material, labor, variable overhead, fixed overhead. Budgeted cost, budgeted profit, budgeted sales. Okay, now material 2 units at the rate of 20, it means 2 units at the rate of 20, aapko per unit ka cost padega 40 rupees. Then 20 hours at the rate of 20 hours at the rate of rupees 2, aapko per unit cost padega 40. Then 8 rupees per unit variable overhead, 20 rupees per unit fixed overhead. The total cost will be 40 + 40 + 8 + 20 = 108. Then profit 32 + 32 = 140. Say yes. It means 10,000 × 40 = 4 lakhs = 80,000 = 2 lakhs = 10 lakh 80,000 = 3 lakh 20,000 = 14 lakhs. सही आंसर होगा. परफेक्टली क्लियर आपको हुआ कि नहीं? इट मींस पहला स्टेटमेंट शोइंग, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21 आपका चल रहा है. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, मटेरियल 4 लाख 20 रुपीस इनटू 2, लेबर 4 लाख 20 इनटू 2, वेरिएबल ओवरहेड 80,000, 8 रुपीस पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख 20, बजटेड कॉस्ट ये आपका आ गया, बजटेड प्रॉफिट आपका आ गया, और ये आपका बजटेड सेल्स. सही आंसर है. ये आपका क्या आ गया? बजटेड सेल्स. सही आंसर है. बोलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 21. सही आंसर है. ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 21. ये आपका हो गया फ्रेंड्स कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ ओके. Step number 2, your profit and loss account, which is given. This is step number 2, profit and loss account, which is given. What is the given? For 8,000 units, 8,000 units, or your एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है. एक्चुअल प्रॉफिट एच पर दिस इज 1,33,200. पीएनएल अकाउंट उन्होंने बना के दे रखा है, तो अपने को बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, अब एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट आपका आएगा सेलिंग प्राइस. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, इट मीन्स आपका एक्चुअल सेल्स हुआ है 11,20,000, उसमें यूनिट्स आपकी सेल हुई है 8,000. इट मींस 11,20,000 / 8,000 = 140. एंड योर बजटेड कॉस्ट पर यूनिट है 108. इट मींस 140 - 108 इज प्रॉफिट आपका हो जाएगा 32. आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 32 रुपीज पर यूनिट. दिस इज योर एक्चुअल, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन 8,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू 133,200, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 140,
11 लाख 20,000 डिवाइड बाई 8,000 कॉस्ट एन 32। सही आंसर यहां तक आपको क्लियर हुआ कि ओके। अब इसको क्वेश्चन में क्या चाहिए, इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स अपने से बोलो। यू आर टू रिकनसाइल द एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ वेरियंसेस। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, लीव वन फुल पेज, हमेशा आपको एक फुल पेज छोड़ना है। दिस इज योर स्टेप नंबर 3, आपको फुल पेज छोड़ना है। इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन। ओके, दिस इज योर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। व्हाट इज द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, क्या प्रॉफिट था हमारा कॉस्ट शीट पे, योर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट इज रुपीज 320,000। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट 320, और जबकि आपको प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका 133,200 आपका प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट है। जो बाकी का जो डिफरेंसेज है वो आपको बताने के ऐसा क्यों हुआ। ओके, अब वेरियंसेज आपको बता, वेरियंस में आपका क्या आ जाएगा, एवरीथिंग। वेरियंसेज में आपका क्या आ जाएगा बोलो, एवरीथिंग। इट मींस वेरियंस के लिए, इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 कॉस्ट शीट, स्टेप नंबर 2 पीएनएल अकाउंट गिवन, स्टेप नंबर 3 योर रिकंसिलिएशन, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 4 इज ए एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ओके, फर्स्ट इज ए मेटेरियल वेरियंस विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 8,000 यूनिट्स। ओके, देन दिस इज योर स्टैंडर्ड एंड दिस इज योर एक्चुअल केजी रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट, देन लेबर वेरियंस आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट देन और वेरिएबल ओवरहेड आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट सही आंसर ना फ्रेंड्स। देन योर फिक्स्ड ओवरहेड्स ये एक्चुअल यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस यूनिट्स एक्सपेंस देन आपका फाइनली सेल्स मार्जिन वेरियंस
यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, सही आंसर होगा। देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस डिवाइड इनटू मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर और रेट वेरिएंस। दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, याद आ रहा है फ्रेंड्स? फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंस वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस और रेट वेरिएंस, सही है सर। आ जाइए अब वन बाय वन। ओके, तो पहला आपने बना लिया कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में आपका प्रॉफिट आ गया फ्रेंड्स 3,20,000 और पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट आपका 133,200। लेकिन ये वाले पॉइंट पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बिकॉज योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स नेक्स्ट, ये आपका आ जाएगा, आपने कितना प्रॉफिट सोचा था 3,20,000 कॉस्ट शीट में, आपको कितना प्रॉफिट आया और क्या रीजंस रहे आपके। अब आप आ जाइए एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज गिवन 8,000 यूनिट्स, ओके। नाउ क्या बोल रहा है, जेम एंड कंपनी मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट फॉर विच द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हैज बीन असर्टेन एज बिलो, मटेरियल 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, इट मींस मटेरियल आपका किस में दे रखा है, मटेरियल आपको दे रखा है 2 यूनिट्स लगेगा, एक यूनिट को बनाने में कितने यूनिट्स लगेंगे मटेरियल के, 2 यूनिट्स। तो ये केजी के जगह यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, टू यूनिट्स, इट मींस 8,000 इंटू टू 16,000, व्हाट इज द रेट, 20 रुपीज, एंड दिस कम्स टू 3,20,000। वन यूनिट इज रिक्वायर्ड 20 आवर्स, इट मींस 8,000 इंटू 20 1,60,000 इंटू 2 320। वेरिएबल ओवरहेड 8,000 इंटू 8 रुपीज पर यूनिट, इट मींस 64। लेबर एंड ओवरहेड के आर हमेशा क्या रहेंगे, सेम 160, इट मींस 40 पैसे पर आर।
यहां तक आपको क्लियर हुआ कि फ्रेंड्स बोलो, इट मींस टोटल हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 8000 एक यूनिट को बनाने में 2, इट मींस 16000, रेट 20, इट मींस 320000, देन 8000 इंटू 20 160000 इंटू 2 320, देन 160 इंटू 0.4 64000। सही है, सुनो फ्रेंड्स, राइट। अब आप आ जाइए एक्चुअल के लिए, इट मींस एक्चुअल में 16500, राइट, एक्चुअल आर्स 170, लेकिन ध्यान रखना है इसके अंदर देर इज ए एबनॉर्मल, आइडियल टाइम इज 4000, तो आपका वेरिएबल ओवरहेड कितने पे लगेगा, 166। सही है, सुनो फ्रेंड्स, आपका मटेरियल कॉस्ट 396, देन 346, 800 एंड देन 60000, इट मींस 396 डिवाइडेड बाय 16500, दिस कम्स टू 24, देन 346 800 डिवाइडेड बाय 170000 इज 2.04, देन 60000 डिवाइडेड बाय 166 इज 0.36। सही है, सुनो, ये आपका हो गया 16,000, 20, 320, 16,500, 24, 396,000, 160,000 into 2, 320, 170,000, 2.04, 346, 800, आउट ऑफ दिस देर इज ए एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम आपको क्या दे रखा है, इज 4000 आवर्स, 160,000 into 0.4 और 166 into 0.3 एंड दिस। नाउ यू कम टू फिक्स्ड ओवरहेड। अब फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या बोला है उसने, देखो जरा, फिक्स्ड ओवरहेड में आपको दे रखा है 20 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड, 10,000 इंटू 20 रुपीज पर यूनिट, दिस कम्स टू 2 लैक्स, ओके, बट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज 1,84,000, ओके, और एक्चुअल यूनिट्स आपका 8,000, एक्चुअल यूनिट्स आपका 8,000, देन ये 10,000, व्हाट योर बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट इज 32, इज 3,20,000, ये आपका 8,000, और पर यूनिट प्रॉफिट अपन ने क्या निकाला था फ्रेंड, 32 रुपीज, सो 32, इट मींस 8,000 इंटू 32 इज 2,56,000। सही है, सुनो फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर और नॉट, प्रॉपर और नॉट, बोलिए यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आपका फिल हो गया पूरा सब, बोलो परफेक्टली फिल हुआ कि नहीं हुआ, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। अब आ जाइए आप मटेरियल कॉस्ट वेरियंस पे, ओके, तो मटेरियल कॉस्ट आपने क्या सोचा था, मटेरियल कॉस्ट 320 और आपका क्या कॉस्ट आ रहा है 396, ओके, क्या कॉस्ट आपने सोचा था बोलो, 320 और क्या कॉस्ट आ रहा है 396, इट मींस कितने का लॉस हो गया, 76,000 एडवर्स, आपका मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगा बोलो, 76,000 एडवर्स, ओके। अब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपने क्या सोचा था कितना मटेरियल लगेगा, 16 है, लगा कितना 16500, 16 सोचा था, लगा 16500 एंड पर का रेट है 20 रुपीज, इट मींस 500 इंटू 20 आपको कितने का लॉस हो गया, 10,000 एंड दिस इज एडवर्स। आपने क्या रेट सोचा था, आपने सोचा था 20 रुपीज और आपका रेट क्या आ रहा है 24, एंड व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 16500, देख लीजिए आपने, आपने क्या सोचा था क्या रेट लगेगा 20, क्या रेट लग रहा है 24, एंड व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय
actual quantity. It means 20 less 24 into 16,500, and this comes to 66,000 and adverse. So 66 adverse then, and total is 76,000 adverse. Say yes or no. Total is 76,000 adverse. Labor mein 320, actual mein 346, 800. It means 320 or actual mein 346, 800. It means 320 socha tha, aa raha hai 346, 800 is 26,800. Labor cost variance is 26,800 adverse. 26,800 adverse. आपने क्या सोचा था कितने आवर्स लगेंगे, 160, लेकिन आपने पे किया है 170, लेकिन आउट ऑफ 170 4000 इज ए एबनॉर्मल आइडल टाइम. मैंने आपको क्या बोला था कि प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो यू टेक 166. देखो जरा आपने कितने आवर्स सोचे थे, 160 पे किए, 170, लेकिन 4000 एबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे. और एट द रेट ऑफ रुपीज 2, इट मींस at the rate of rupees 2 there is a loss of 12,000 adverse. There is a loss of 12,000 adverse. Then there is a labor idle time variance. There is a labor idle time variance. 4000 into 2 apne ko loss ho jayega 8,000 rupees ka. Kya rate aapne socha tha, aapka labor ka rate rahega 2, lekin actual mein aapko aa raha hai 2.04. देखो जरा लेबर का आपने क्या रेट सोचा था, 2 रुपीज, लेकिन एक्चुअल में क्या रहा है, 2.04. एंड वेर एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट, राइट, रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी, 1,70,000, एंड दिस कम्स टू टोटल 6,800 एंड एडवर्स. मिलके क्या हो जाएगा, 12,000 एडवर्स प्लस 8,000 एडवर्स प्लस 6,800 एडवर्स, मिलके आपका हो गया 26,800 एडवर्स. सही है, सुनो, नो फॉर्मूला, आपको प्योर लॉजिक से ही जाना है. हर सम आपको प्योर लॉजिक से ही करना है. आपका लॉजिक जितना क्लियर होगा उतना ही आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा. जितना आपका ये क्लियर होगा उतना ही आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा. ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. बोलो, ये आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, ये आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया. अब आप आइए वेरिएबल ओवरहेड. वेरिएबल ओवरहेड आपके कितना सोचा था, कितना वेरिएबल ओवरहेड सोचा था, 64, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, 60. हमने वेरिएबल ओवरहेड सोचा था 64, आ रहा है कितना, 60,000. इट मीन्स दिस इज 4,000 एंड फेवरेबल. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, प्रोडक्शन मैनेजर. उसने कितने आवर्स का बोला था अपने को, कितने आवर्स का बोला था, 160 आवर्स का बोला था, लेकिन एक्चुअल हम लोगों ने पे किया 166. व्हाट इज द रेट पर आवर, रेट पर आवर ऑफ वेरिएबल ऑर्डर 2 रुपीज, इट मींस 12,000 एडवर्स. आपका क्या हो जाएगा, 12,000 एडवर्स. देखो जरा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड नहीं, वेरिएबल ओवरहेड 40 पैसे पर आवर था. वेरिएबल ओवरहेड इज 40 पैसे पर आवर. इट मींस ₹166 - ₹160 × 0.4 = ₹2,400 एडवर्स. आपका वेरिएबल ओवरहेड का आ जाएगा 2,400 एडवर्स. रेट क्या था, इट मींस 0.4 की जगह हमने क्या पे किया, 0.36 × 166, एंड दिस कम्स टू 16,400 फेवरेबल. इट मींस 0.4 - 0.36 × 166 आपको आएगा 64. अगर आप पूरा फुल में लेके करोगे ना तो आपका आ जाएगा, ये फ्रैक्शन की वजह से. मतलब आप कैसे करना, जैसे वेरिएबल ओवरहेड में आपको क्या करना है,
60,000, ये आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस है, डिवाइडेड बाय 1,66,000, आपको आएगा 0.36144578313 माइनस 0.4 × 166, आपको एग्जैक्टली आ जाएगा रुपीज, एग्जैक्टली आपका आ जाएगा 6,400 फेवरेबल। नाउ यू कम टू फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट। फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट में फ्रेंड्स आपका क्या था, फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट में सबसे पहले आपने कितना पे किया है, 184। फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट में टू बैंक 184 बाई रिकवरी, रिकवरी 8,000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 20, आपको 1,60,000 आ जाएगा, बाई अंडर रिकवरी और आपका अंडर रिकवरी हो जाएगा 24,000। आपने कितना पे किया बोलो, आपने पे किया 184, एक यूनिट का रिकवरी डेट है 20, आपकी यूनिट्स बनके तैयार हुई 8,000, तो आपको रिकवर्ड होके अमाउंट मिलेगा, रिकवर्ड होके अमाउंट मिलेगा 8,000 × 20, रिकवर होकर मिलेगा 1,60,000, जबकि पे कितना किया है, 184 मिला है 160, लॉस कितने का हो जाएगा 24, इट मींस रिकवर्ड ओवरहेड 160 माइनस एक्चुअल ओवरहेड 184 एंड 24,000 एडवर्स, राइट। एक्सपेंस वेरियंस, एक्सपेंस वेरियंस आपका क्या रहेगा, एक्सपेंस वेरियंस 2,00,000, 2,00,000 की जगह 184, आपने क्या सोचा था एक्सपेंस कितना होगा 2,00,000, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ 184, इट मींस 2,00,000 माइनस 184 आपको प्रॉफिट हो जाएगा 16,000 फेवरेबल। एक्चुअल आपका बजटेड यूनिट्स 10 बना 8 इंटू रिकवरी डेट 20 एंड दिस कम्स टू 40,000 एडवर्स, आपका क्या हो जाएगा 40,000 एडवर्स, इट मींस 40,000 एडवर्स माइनस 16,000 फेवरेबल, फाइनल आपका हो जाएगा 24,000 एडवर्स, फाइनली आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बोलो 24,000 एडवर्स। अब आप आ जाइए सेल्स मार्जिन, दिस इज योर सेल्स मार्जिन टेबल। सेल्स मार्जिन क्या सोचा था 320, क्या आ रहा है 256, क्या सोचा था 320, क्या आ रहा है 256, सोचा था 3,00,000, आ रहा है ओनली 256, कितने का लॉस हो गया, इट मींस 300 माइनस 256 इज 44,000, कितने का लॉस हो गया 44,000। सेल्स वॉल्यूम 10,000, 10 की जगह ओनली 8,000, और व्हाट इज द पर यूनिट का प्रॉफिट, पर यूनिट का प्रॉफिट इज रुपीज 32, इट मींस 10,000 माइनस 8,000 इंटू 32 इज 64,000 एडवर्स, यहाँ पे 32 माइनस 32 इंटू 8,000 एंड दिस कम्स टू जीरो, सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो जीरो, परफेक्टली आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस अब आपके जो जो वेरियंसेज हुए हैं उनको आप रिकंसलेशन में ले लो, जो जो आपके वेरियंसेज हुए हैं उनको आप रिकंसलेशन में ले लो, है ना। फर्स्ट ड्यू टू मटेरियल यूसेज वेरियंस एंड ड्यू टू मटेरियल रेट वेरियंस, देखो जरा, एक आपको टोटल लॉस हुआ है, टोटल लॉस हुआ है 76, कौन कौन, एक तो ये यूसेज वेरियंस 10,000 और एक रेट वेरियंस 66,000, आपको यूसेज वेरियंस आपका कितना है 10,000, इट मींस प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से कितने का लॉस हो गया 10,000, मैनेजमेंट के पास ये जाएगा, MIS में ये जाएगा, मैनेजमेंट को ये देखना, ये वाला पार्ट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये DKC को बुला के वो फिर कंसल्ट करेंगे कि सर हमने सोचा था हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने, यूसेज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है योर प्रोडक्शन मैनेजर, इसके लिए कौन होता है योर परचेज मैनेजर, परचेज मैनेजर ने कितने का लॉस करा दिया आपको, परचेज मैनेजर ने आपको लॉस करा दिया 66,000 का, 320 का प्रॉफिट होता लेकिन 10,000 तो हम लोगों का लॉस हो गया,
ड्यू टू मेटेरियल यूसेज, और 66 का हमारा लॉस हो गया ड्यू टू रेट वेरियंस, मतलब जो हमने रेट सोचा था उससे हमने ज्यादा पे कर दिया। अब हम इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, प्रोडक्शन मैनेजर, लेबर आइडल टाइम वेरियंस एंड लेबर रेट वेरियंस। लेबर एफिशिएंसी, लेबर आइडल टाइम एंड लेबर, लेबर एफिशिएंसी 12,000 एडवर्स, 8,000 एडवर्स, 6800 एडवर्स। दिस इज 12,000 एडवर्स, 12,000 एडवर्स, 8,000 एडवर्स एंड योर 6,800 एडवर्स, 6,800 एडवर्स। देन ड्यू टू वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, देन ड्यू टू वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस, देन ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, ड्यू टू, ये सब आपको लिखा हुआ है, आपको कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस कहाँ गया, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस 2400 एडवर्स एंड 6400 फेवरेबल, 2400 एडवर्स, 6400 फेवरेबल, 2400 एडवर्स, 6400 फेवरेबल। अब आप आ जाइए फिक्स्ड ओवरहेड पे, फिक्स्ड ओवरहेड में क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको एक्सपेंस 16,000 फेवरेबल, 40,000 एडवर्स, 16,000 फेवरेबल, 16,000 फेवरेबल, 16,000 फेवरेबल, 40,000 एडवर्स, 40,000 एडवर्स। देन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन रेट, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम हमारा कितना आया था 64,000 एडवर्स। देखो जरा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, ओके। अब आपा जी एक्चुअल, इट मीन्स 320 माइनस 10,000, 66,000, 12,000, 8,000, 6800, 2400 प्लस 6400 प्लस 16,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 64,000 हमने क्या बनाया था, इज अ कंप्लीट स्टेप वन कॉस्ट शीट, स्टेप नंबर टू पी एंड एल अकाउंट, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू, यहां से आपको पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्ट। यहां पे एग्जामिनर वाइफ को फोन करेगा, आई वांटेड टू गिव यू ट्रीट टुडे, वाइफ बोलेगी व्हाई व्हाट हैपन, बोला आई हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। देन स्टेप नंबर थ्री रिकंसिलेशन, स्टेप नंबर फोर एनालिसिस ऑफ वेरियंस, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड, ये आपका सेल्स और ये आपके वेरियंसेस, जो भी वेरियंसेस एडवर्स हैं वो माइनस करो, जो वेरियंस फेवरेबल है उनको प्लस करो और आपका काम हो जाएगा। सो यस नो फ्रेंड्स, बोलो परफेक्टली क्लियर होना, तो थोड़े मैं प्रैक्टिस भी आपको कराता हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा करके ना, थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा करके ना फ्रेंड्स, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप जरा देखिए, ये मॉड्यूल में भी दे रखे थे, आपके पास एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना,
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 11.48, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 11.48, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 11.48। देखिए फ्रेंड, जुम्बो एंटरप्राइजेस मिला फ्रेंड्स आपको। जुम्बो एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट एंड द एंटायर प्रोडक्ट इज सोल्ड एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड। देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज नेग्लिजिबल। द कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड एनालिसिस ऑफ वेरियंस इज मेड एवरी मंथ। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 0.5 kg एट द रेट ऑफ 4, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा 2 rupees। डायरेक्ट वेजेस 2 hours एट द रेट ऑफ 2, 4 rupees। वेरिएबल ओवर एट 2 hours एट द रेट ऑफ 0.3, 60 paisa। फिक्स्ड ओवर एट 2 hours एट द रेट ऑफ 3.7, 7.4। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 14, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 6, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 20। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड आर डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एज ए पीरियड कॉस्ट। तो वो अपन को P&L अकाउंट में लेना पड़ेगा। जब हमने एस्टिमेट किया था, कॉस्ट शीट बनाया था, तब हम लोगों ने नहीं लिया, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ तो यू टेक इन P&L अकाउंट। बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट फॉर अप्रैल 1997 इज 5100। बजटेड आउटपुट आपका कितना है? 5100। इसका मतलब कॉस्ट शीट कितने के लिए बनेगा? 5100। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर अप्रैल 1997 गिवन। प्रोडक्शन ऑफ 4850 यूनिट्स एंड सोल्ड फॉर 95,600 एंड सोल्ड फॉर 95,600 सोल्ड फॉर 95,600। मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन अमाउंटेड टू 2300। टोटल कॉस्ट 9800। लेबर आवर्स पेड 8600, 16800। एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स योर एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स जस्ट सी ना फ्रेंड्स वेट ऑल राइट फ्रेंड्स प्रोडक्शन ऑफ 4850 यूनिट्स वॉज सोल्ड फॉर 95,600। मटेरियल कंज्यूम्ड 2300 kg एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 9800। लेबर आवर्स पेड फॉर अमाउंट 8500 एंड द कॉस्ट इज 16800। एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स 8000। वेरिएबल ओवर एट 2600, फिक्स्ड ओवर एट 40 to 300। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 18000। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट ऑल द वेरियंसेस। प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड 30th April 1997। इसका मतलब स्टेप नंबर वन, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट मीन्स योर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट मीन्स योर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। स्टेप नंबर वन इज ए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। स्टेप नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टेप नंबर थ्री रिकंसिलेशन। स्टेप नंबर फोर एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ओके, तो दिस इज योर स्टेप नंबर वन, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन एंड व्हाट इज योर बजटेड प्रोडक्शन इज 5100। डायरेक्ट मटेरियल दिस इज योर टोटल एंड दिस इज योर पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्ट
स्टैंडर्ड प्रॉफिट सेल्स. ओके नाउ 0.5 केजी एट द रेट ऑफ 4, 0.5 केजी एट द रेट ऑफ 4, दिस कम्स टू 2 रुपीस. 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 इज 4 रुपीस. 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.3 इज 60 पैसे. 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 3.7, तो पर यूनिट क्या हो जाएगा, 2 × 3.7, 7.4. स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा आपका 2 रुपीज प्लस 4 रुपीज प्लस 0.6 प्लस 7.4 इज 14. स्टैंडर्ड प्रॉफिट 6 एंड दिस इज 5100 × 2, 10,200. 5100 × 4, 5100 × 0.6, 5100 × 7.4, 10,200, 20,400, 3060, 37,740, 71,400. अगर डिवाइड करेंगे 5100 से तो आपको 40. 5100 × 6, 30,600. 71,400 plus 30,600 is 1,02,000. सही है, ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट किसके लिए बनाया फ्रेंड्स, हम लोगों ने बजटेड प्रोडक्शन. फॉर योर बजटेड प्रोडक्शन 5100. ओके, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड बजटेड बोलो, स्टैंडर्ड बोलो, सेम थिंग. ये आपका क्या हो गया स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, बोलो, कॉस्ट शीट बन के रेडी. Now you go to step number 2, and your step number 2 is a profit and loss account. It means step number 2, and this is your profit and loss account. Okay, 34,97. सिंपल पी एन एल अकाउंट आपको बनाने का. दिस इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. ओके, ये आपका स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर 34,1997. कॉस्ट शीट में ये था पी एन एल अकाउंट. ओके, अब आप आ जाइए पी एन एल अकाउंट में. 4850, इट मीन्स बाय सेल्स 4850 units, 95,600. Then 2 material, 2,300 kg, और उसका कॉस्ट आया 9,800. Then 2 लेबर, 2 लेबर कॉस्ट 16,800. ओके, टू वेरिएबल ओवरहेड 2,600, टू फिक्स्ड ओवरहेड 42,300 एंड टू सेलिंग एंड एडमिन इज 18,000 एंड टू नेट प्रॉफिट 95,600 माइनस 9,800 माइनस 16,800 2,600 माइनस 42,300
10 minus 18,000 is 6100. ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जम्बो एंटरप्राइजेस का कॉस्ट शीट, जम्बो एंटरप्राइजेस का आपका पी एंड एल अकाउंट. सही है सर. नो फ्रेंड्स, अब दोनों के बीच में आपने क्या प्रॉफिट सोचा था, आपने प्रॉफिट सोचा था 30,600. आपने क्या प्रॉफिट सोचा था 30,600. आपको क्या प्रॉफिट आ रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है ओनली 6,100. अब आपको देखना है कि व्हाट वाज द रीजन. ओके, हमारा रीजन क्या है, बराबर. ओके, हमारा रीजन क्या है, क्यों इतना प्रॉफिट नहीं आया, बराबर. अगर आप देखोगे तो आपको ये बताना है कि आपका रीजन क्या है, कि आपका ये प्रॉफिट क्यों नहीं आया. ओके, अब आप आ जाइए, दिस इज सो स्टेप नंबर 3. योर स्टेप नंबर 3 एंड दिस इज योर statement showing reconciliation. It means profit as per cost sheet, and last me your profit as per profit and loss account. Profit as per cost sheet and profit as per profit and loss account. Profit as per cost sheet and profit as per profit and loss account. So yes or no. Then your step number 4. Step number 4, analysis of variance. First, material variance always based on actual production. What is your actual production is 4850 units. What is your actual production? The actual production is 4850 units. Okay. Standard. This is your actual kg, rate, amount, kg, rate, amount. Then you go labor variance, hours, rate, amount, hours, rate, amount. Then variable overhead, hours, rate, amount, hours, rate, amount. Yes, all of this. What is your actual production? Material, labor, variable overhead. हमेशा material, labor, variable overhead हमेशा आपके किस में जाएगा friends? Always आपका किस में जाएगा बोलो? Actual production. And what is your actual production is 4850 units. What is your actual production is 4850. Then this is your fixed overhead, budget and actual. It means units, recovery rate, expense. Units, expense. ठीक है. Then sales margin,
वेरियंस, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, सही है सुनो, ओके, एंड योर एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू और एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, अब आप आ जाइए आपका आपका कॉस्ट शीट हो गया था. कॉस्ट शीट में आपको क्या प्रॉफिट आया? 30,600. कॉस्ट शीट में प्रॉफिट 30,600, जबकि पी एंड एल में प्रॉफिट है 6,100. एनालिसिस ऑफ वेरियंस. अब देखो एक यूनिट को बनाने में कितना केजी मटेरियल लगेगा. इट मींस 4850 into 0.5 kg, 4850 into 2 hours and 4850 into 2 hours. 4850 into 2 hours 9700 and 4850 into 0.5 kg 2425. Okay. Now what is the rate? The rate of material is 4 rupees per kg into 4 is 9,700 into 2. It means 9700 into 2 is 9,400. Then 0.3. It means 9700 into 0.3 2910. Say yes or no. Then fixed overhead always on budgeted 5100 into what is the recovery date? 7.4. So 5100 into 7.4 will be 37,740. 5100. What your profit per unit is 6. It means 5100 into 6 is 30,600. Say yes or no. Okay. Selling and admin expense are not included in the standard cost and deducted from the profit as a period cost. Budgeted output for April 1997, 5100. Actual result for April 1997 as follows. Production 4850, sold 95,600. 95,600 and number of units sold is 4850. 95,600 divided by 4850 is 19.71 less. What was your budgeted cost is 14 rupees per unit. Profit manager not responsible for cost fluctuation. Profit manager not responsible for cost fluctuation. Minus 14, आपका profit आएगा 5.71. 5.71 and 4850 into 4850 into 4850. This comes to 27,700. Actual profit equal to actual selling price. Actual selling price कैसे मिलेगा? आपका जो actual sales हुआ है divided by units, budgeted cost आपको दे ही रखा है, ये आपका budgeted cost. सही है सुनो. अब आप आ जाइए actual पे. Material actually consumed is 2,300 kg and the cost is 9800. Then 8,500
16,800. Then actual operating hours, out of this there is a 500 abnormal idle. आपको ओवरहेड कितने पे लगेगा? ओनली 8,000. मैंने आपको बताया ना ओवरहेड कितने पे लगेगा, 2,600. एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज 42,300. एंड एक्चुअल यूनिट्स आपके, एक्चुअल यूनिट्स आपके आएंगे 4,850. एक्चुअल यूनिट्स आपके आएंगे इज 4,850. इट मीन्स 2,600 डिवाइडेड बाई 8,000.325, 16,800 डिवाइडेड बाई 8,500 इज 1.97, 9,800 डिवाइडेड बाई 2,300 इज 4.26. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो परफेक्टली क्लियर और नॉट? बोलो पहला आपका आ जाएगा फ्रेंड्स इज ए मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट सोचा आपने? 9,700 आया 9,800. सो दिस इज योर फर्स्ट मटेरियल, मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट सोचा था? 9,700. क्या कॉस्ट आ रहा है? 9,800. कितने का लॉस हो गया? 100. हु इज रेस्पॉन्सिबल? इट मीन्स मेटेरियल, मेटेरियल यूसेज वेरियंस, मेटेरियल यूसेज वेरियंस एंड मेटेरियल रेट वेरियंस. Usage variance and material rate variance. 2,425 material use होने वाला था, material use होने वाला था, 2,425 हुआ कितना? 2,300. 2,300. And what is the rate? The rate is 4 rupees. The rate is 4 rupees. It means 2,425 minus 2,300 into 4 is 500 rupees. आपका क्या हो जाएगा? 500 रुपीज फेवरेबल. अब आप आ जाइए, क्या रेट आपने सोचा था? 4. क्या रेट आ रहा है? 4.26. 4 माइनस 4.26 एंड व्हेन एवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी. इट मीन्स 0.26 इंटू 2,300 कम्स टू 600 एडवर्स. सही है? सुनो मटेरियल रेट वेरियंस 4 की जगह आपका क्या आ गया? मेटेरियल रेट वेरियंस 4 की जगह आपका क्या आ गया? 4.26 इंटू 2,300. बोलो यस और नो फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर होना है. उसके बाद आप आ जाइए, दिस इज योर लेबर कॉस्ट वेरियंस. लेबर कॉस्ट डिवाइड इन 3 योर लेबर एफिशिएंसी, लेबर आइडल टाइम एंड लेबर रेट. ओके, क्या लेबर कॉस्ट आपने सोचा था? आपने क्या लेबर कॉस्ट सोचा था? 19,400. क्या आपको कॉस्ट आ रहा है? 19,400 के सामने 16,800. 19,400 सोचा था, 19,400 और उसके सामने क्या आ रहा है फ्रेंड्स आपको? 16,800. इट मीन्स 19,400 के सामने 16,800, तो 2,600 आपको क्या हो जाएगा? फेवरेबल. 2,600 आपको क्या हो जाएगा? फेवरेबल. एफिशिएंसी कितने आवर्स की बात थी? 9,700, लेकिन आपने एक्चुअल आवर्स लिए ओनली 8,000. एक्चुअली पे अपन ने ज्यादा किए, अपन ने आर्स पे किए 8,500, लेकिन 500 आपका क्या है?
एबनॉर्मल आइडल टाइम, 500 आपका क्या है एबनॉर्मल आइडल टाइम, तो आपको क्या लेना पड़ेगा ओनली, आपको क्या लेना पड़ेगा ओनली 8000 एंड आपका रेट हो जाएगा 2 रुपीज पर आवर, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3400 एंड फेवरेबल, 500 आपके आवर्स लॉस हो गए, एक घंटे का कॉस्ट 2 रुपीज, 1000 एडवर्स एंड रेट वेरियंस 2 की जगह आपका 1.97 इंटू 8500, क्या रेट आपने सोचा था, क्या रेट आपने सोचा था 2 रेट आ रहा है 1.97 इंटू 8500 इंटू 8500, इट मींस 2 माइनस 1.97 इंटू 8500 एंड दिस कम्स टू 200 एंड 200 फेवरेबल, इट मींस 3400 फेवरेबल, 200 फेवरेबल माइनस 1000 एडवर्स इज 2600 एडवर्स, इज 2600 एडवर्स, 2600 एडवर्स। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड कितना सोचा था 2910, आ कितना रहा है 2600, इट मींस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस इक्वल टू 2910 माइनस 2600 इक्वल टू 310 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस, ओके क्या सोचा था आर्स 9700, एक्चुअल आर्स लगे 8000 इंटू 0.3, इट मींस 510 फेवरेबल, रेट वेरियंस 0.3 सोचा था, एक्चुअल में 0.325 इंटू 8000, इट मींस 0.325 माइनस 0.3 इंटू 8000 एंड दिस कम्स टू 200 एडवर्स, क्या आपने कॉस्ट सोचा था 2910, क्या कॉस्ट आ रहा है आप टेबल में देख लीजिए, टेबुलर क्या कॉस्ट सोचा था 29, क्या आ रहा है 9700, लेकिन 8000 आवर्स एंड व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये रेट सोचा, ये रेट आ रहा है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, वो अपन ने कर दिया, सही है सुनो ये आपका। अब आप आ जाइए, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया है, एक भी कोई भी पार्ट आपने नहीं देखा है बराबर से, मिस किया है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं बराबर, इट मींस टू बैंक कितना पे किया हम लोगों ने फ्रेंड्स, टू बैंक हमने कितना पे किया 42,300, देखो जरा कितना पे किया फिक्स्ड ओवरहेड में 42,300, रिकवर कितना होगा 4850 इंटू 7.4, इट मींस बाय रिकवरी 4850 इंटू 7.4, इट मींस 4850 इंटू 7.4 35,890, इट मींस बाय अंडर रिकवरी इज माइनस 42,300 माइनस 35,890 इज 6410, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस कितना रिकवर हुआ 35,890, कितना पे किया 42,300 एंड देयर इज अ लॉस 6410, ये आपको क्या हो जाएगा लॉस 6410 का आपको क्या हो जाएगा लॉस, देन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस क्या आपने एक्सपेंस सोचा था और क्या एक्सपेंस लगा, क्या आपने एक्सपेंस सोचा था 37,740,
क्या आपने एक्सपेंस सोचा था, देखो 37,740, क्या आपने सोचा था 37,740 लगा कितना, 42,300 लगा आपका, 42,300 कितने का लॉस हो गया फ्रेंड्स, 37,740, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या लगा इज 42,300 इज 4560, 4560 आपका क्या हो जाएगा एडवर्स, 4560 आपका क्या हो गया 37, इसके सामने 4560 आपका क्या हो गया एडवर्स, और एडवर्स हो गया 4560 आपका क्या हो गया एडवर्स। अब आप आ जाइए यूनिट्स पे, यूनिट्स थे 5100 लेकिन बने ओनली 4850, और एक यूनिट का आपका रिकवरी रेट था 7.4, इट मीन्स 5100 यूनिट्स बनने वाले थे, एक्चुअल यूनिट्स 4850 इनटू 7.4 एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 1850। सो 1850 लॉस, 4560 लॉस इक्वल टू 6410 लॉस, 4560 लॉस, 1850 लॉस इक्वल टू 6410 लॉस, इक्वल टू 6410 लॉस। और लास्ट अभी आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज योर सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन वेरियंस, कितना प्रॉफिट आपने सोचा था कितना एक्चुअल में आया ड्यू टू सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस एंड सेल्स मार्जिन रेट वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन सेल्स 30,627 is 2900 आपका क्या हो जाएगा एडवर्स। फिर क्या क्वांटिटी सोची थी 5100, क्या क्वांटिटी आई 4850, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट पर यूनिट, द प्रॉफिट पर यूनिट इज 6 रुपीज, प्रॉफिट पर यूनिट कॉस्ट शीट पे देखो, कॉस्ट शीट में 6 रुपीज था अपना, इट मीन्स 5100 माइनस 4850 इंटू रुपीज 6 इज 1500 एडवर्स। रेट वेरियंस क्या था, 6 रुपीज का प्रॉफिट था, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या आया देखो, जरा निकाला था ना एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट 5.71 इंटू 4850, 6 माइनस 5.71 इंटू 4850 इज 1400 एडवर्स, दैट्स इट। बोलो परफेक्टली क्लियर, एंड नाउ यू पुट ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन इनटू रिकंसिलेशन। देखो पहला मटेरियल कॉस्ट में 500 फेवरेबल यूसेज, 600 एडवर्स रेट, 500 फेवरेबल और 600 यूसेज में लॉस है, रेट में लॉस है, यूसेज में प्रॉफिट, इट मींस ड्यू टू मटेरियल यूसेज वेरियंस, ड्यू टू मटेरियल रेट वेरियंस, मटेरियल यूसेज 500 फेवरेबल, ये 600 एडवर्स, जो एडवर्स है वो माइनस हो जाएगा, जो फेवरेबल है वो ऐड हो जाएगा। अब ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी, लेबर आइडियल टाइम, लेबर रेट,
लेबर एफिशिएंसी 3400 फेवरेबल, ये 1000 एडवर्स, ये 200 फेवरेबल। देखो जरा लेबर एफिशिएंसी इज 3400 फेवरेबल, लेबर आइडियल टाइम 3400 फेवरेबल, आइडियल टाइम 1000 एडवर्स एंड रेट 200 फेवरेबल, रेट 200 फेवरेबल, मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड 510 फेवरेबल 200 एडवर्स ड्यू टू वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस 510 फेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस इज 200 एडवर्स एंड fixed overhead expense 4560 adverse and 1850 adverse 4560 adverse and fixed overhead expenditure and volume 1850 adverse 1850 adverse then sales margin volume 1500 adverse and sales margin volume rate volume this is 1400 adverse and ये अपने निकाला था ना फ्रेंड्स सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 1500 एडवर्स सेल्स मार्जिन प्राइस 1400 एडवर्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोगों ने नहीं लिया सेलिंग एंड एडमिन इज 18000 ये भी माइनस हो जाएगा 30600 प्लस 500 माइनस 600 प्लस 3400 माइनस 1000 प्लस 200 प्लस 510 माइनस 200 4560 1850 1500 1400 एंड माइनस 18000 कम्स टू 6000 मतलब आपने एक एक लेक्चर इसके लिए अटेंड किया है ना तो ही आप कर पाओगे अगर आपने एक एक लेक्चर प्रॉपरली अटेंड किया है ना तो ही आपको मजा आएगा ये टॉपिक करने में करके ना ये कंसेप्ट करने में आपको तभी मजा आएगा जब आपने एक एक चीजें अब इसी में मैं आपको लेके चलूंगा रिवर्स में कि अगर आपको रिवर्स दे रखा है इंफॉर्मेशन तो आप कैसे करोगे वो अपन को देखना रहेगा लेकिन यहां तक बताइए आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टेप वन इज ए कॉस्ट शीट स्टेप ऑलवेज ऑन बजटेड प्रोडक्शन स्टेप नंबर टू P&L अकाउंट ऑलवेज ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन स्टेप थ्री रिकंसिलेशन स्टेप नंबर फोर एनालिसिस ऑफ वेरियंस मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज ऑन एक्चुअल एंड फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज ऑन बजट सही है सुना परफेक्टली क्लियर होगा